में फिर लागू होगी कोरोना के नियम, ये सवाल उठ रहा है, लग यही रहा है कि हरियाणा में भी पाबंदियों का दौर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, राज्यों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हरियाणा में भी केंद्र के निर्देश लागू होंगे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये संकेत दिए थे। तो क्या हरियाणा में एक बार फिर से पाबंदियों का दौर देखने को मिलेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि डिप्टी सीएम के बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे थे। इधर केंद्र की तरफ से तमाम राज्यों से कहा गया है सतर्क रखें, और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कुछ ऐसे ही संकेत देते नजर आए हैं। सवाल उठ रहा है क्या हरियाणा में फिर से पाबंदियां लगेंगी? सवाल उठ रहा है कि अगर पाबंदियां लगेंगी तो आखिर ये किस तरह की होंगी, क्योंकि क्या देश एक नए लॉकडाउन के लिए तैयार है? क्योंकि कोरोना का सुपर स्प्रेडर एक बार फिर से सामने आ रहा है, डर इस बात का है कि आंकड़ा बहुत तेजी से ना बढ़ जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत कौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरसिमरत, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश में इस वक्त अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारें हैं, हरियाणा सरकार का क्या रुख नजर आता है? जी, आपको बता दें कि जो नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है उसने एक बार फिर से जो है वो डरा दिया है। सारी तरफ ही जो है वो नया जो सॉल्यूशन है वो दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ सतर्कता बरतने की बात है जो वो भी की जा रही है। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है लेटर जारी किया गया है सेक्टर 32 के हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सर्कुलर जारी किया है उसको लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी अब जितने भी मरीज होंगे जो इमरजेंसी में होंगे उनकी तो आरटीपीसीआर के द्वारा चेकिंग जो है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जर्वेशन में है मरीज या फिर ओपीडी लेकर दाखिल होते हैं उनका भी आरटीपीआर टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रैंडम जो यहाँ पर मरीज होंगे उनकी भी जो है वो आरटीपीसीआर के जरिए जाँच की जाएगी। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो मरीज यहाँ पर दाखिल होने के लिए भी आ रहे हैं उनका भी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो करवाया जाएगा। तो इस तरह से जो नई यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दिए गए हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज बताया जा रहा है, जो कि सुपर स्प्रेडर हो सकता है। इसको लेके जो एहतियात बरतने की बात जो है वो कही जा रही है। सरकारें भी इसी रुख में आगे के लिए काम करने को देख रही हैं, ताकि जो गढ़ ना बन जाए एक जहाँ पर सुपर स्प्रेडर जो है वो कोरोना का ना हो जाए। इसलिए जो है आने वाले समय में कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है, हालांकि कुछ चीजों की जो पालना है वो पहले से की जा सकती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस जो है वो 32 अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्कुलेट जो जारी किया है उसमें बताया है कि जो भी हेल्थ कर्मी है। जी चलिए, एक बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। हरसिमरत, पहले कोरोना पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है, केंद्र की एडवाइजरी पर दुष्यंत चौटाला बोले केंद्र हमारा ही नॉडल है। और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गाइडलाइन पर जरूर चलेंगे। डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है, संकेत इसमें साफ नजर आते हैं कि हरियाणा में कोरोना को लेकर एक गाइडलाइन सामने एक बार फिर से आ सकती है। क्या कुछ डिप्टी सीएम ने कहा वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी नोडल है, पूरे कोविड के दो साल के दौर के अंदर वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती थी, स्टेट्स उनके ऊपर गाइडलाइंस बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करती थी। अभी तो आप बता रहे हैं कि उनने मीटिंग करी है, स्टेट को गाइडलाइंस आएगी जरूर, उनके ऊपर पहले भी चले आगे भी चलेंगे। चलिए एक बार फिर से हरसिमरत का रुख करते हैं। हरसिमरत, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते नजर आए हैं केंद्र ने अगर एडवाइजरी जारी की है तो हो सकता है हरियाणा में भी कुछ कदम उठाए जाएं। क्या लगता है हरियाणा सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है कोरोना को फैलने से रोकने के लिए? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना के चलते हुए चिंता बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पर हरियाणा में भी इसको लेकर चिंता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर बात की जाए हरियाणा की, तो यहाँ पर जो भी जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी पहले अगर बात की जाए तो कोरोना जो है उसमें वैक्सीन लगवा कर आगे आए थे, और काफ़ी जो कुछ लोग हैं अभी बचे भी हैं, क्योंकि नया जो वेरियंट सामने आ रहा है कोरोना का उसको लेकर जो है काफ़ी सुपर स्प्रेड होने की बात की जा रही है। तो उससे डरते हुए जरूर कहीं ना कहीं जो एहतियात है उसको बरतने को लेकर हरियाणा में भी सख्ती जो है की जा सकती है। हालांकि केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गएंगे उसी के तहत ये सारी चीजें हैं जो रखी जाएंगी, उसी के तहत जो हरियाणा में भी संभावना जरूर जताई जा रही है कि हरियाणा में भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक।